कहानी की शुरुआत में हमें हाना नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। हाना मेरी गर्लफ्रेंड की तरह बहुत ही मोटी थी, लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड की इतना लकी नहीं थी क्योंकि उसके पास मेरे जितना हैंडसम कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इसीलिए वो एक बंगाली बाबा से अपने क्रश के ऊपर जादू टोना करवाने के लिए जाती है ताकि उसका क्रश उसे बाबू सोना कहने लगे। लेकिन बाबा पहले तो हाना के शरीर और होलियों को देख कर उसकी खूब बुराई करते हैं और फिर बाद में उसे एक मंत्र लिख कर देते हुए उसे कहते हैं कि इस मंत्र से कोई न कोई तुम्हारी खूबसूरती के जाल में जरूर फंस जाएगा। हाना बाबा का उस मंत्र के लिए उसके सामने झुककर शुक्रिया कहना चाहते थे, लेकिन ऐसा करते हुए वो बाबा के टेबल पर गिर जाते हैं जिससे बाबा के फेस पर कटोरे में रखा खून गिर जाता है और बाबा के भगवान की मूर्ति भी टूट जाती है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाना को फोन पर एक बॉयफ्रेंड मिल गया था जो डेली रात में उससे रोमांटिक बातें किया करता था, लेकिन वो शादी शुदा था। नेक्स्ट डे हम कोरिया के मोस्ट फेमस सिंगर एनी को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। कोरियन एनी की सिंगर की दीवानी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस स्टेज पर एनी कॉन्सर्ट कर रही थी ठीक उसी के नीचे हाना भी गाना गा रही थी। अब जब हाना मेरी गर्लफ्रेंड की जितना मोटी थी तो उसकी आवाज उसके इतनी प्यारी क्यों नहीं होती। दरअसल स्टेज पर परफॉर्म तो एनी करती थी लेकिन गाना हाना गाती थी। दुनिया जिस आवाज की दीवानी थी वो आवाज हाना की थी, लेकिन उस आवाज का चेहरा एनी बनी हुई थी और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि सैम नाम का एक आदमी था जिससे हाना प्यार करती थी। वो एनी की बेटी के साथ हाना की आवाज को मिलाकर अपने डांस के कॉस्मेटिक ब्रांड को प्रमोट कर रहा था जिससे उसके बिजनेस को बहुत प्रॉफिट हो रहा था। हाना गाना गाते गाते बहुत एक्साइटेड हो जाती है और डांस करने लगती है, लेकिन तभी उसका स्टेज टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है जिससे कि एनी का गाना रुक जाता है। इसीलिए सैम तुरंत ऑडियंस का ध्यान भटकाने के लिए स्टेज पर लगे फायर क्रैकर्स को जला देता है और जल्दी से हाना को बाहर आकर गाना कंटिन्यू करने को कहता है, जिसके बाद हाना तुरंत गाना गाना शुरू कर देती है और एनी वापस से लिप सिंक करते हुए परफॉर्म करने लगती है। खैर उनका कॉन्सर्ट बहुत ही हिट होता है। कॉन्सर्ट के बाद एनी हाना से मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें डांस करने की क्या जरूरत थी, जिस पर वो कहती है कि मैं तो बस अपने गाने को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर सैंग आ जाता है और हाना को गले लगाते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तभी हाना भी एक्साइटेड होते हुए उसे गले लगा लेती है और कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर रात को हाना अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने के लिए जाती है। उसकी दोस्त का नाम मिन होता है जो एनी के लिए स्टेज पर बैकग्राउंड सिंगिंग किया करती थी। हाना बैठ कर खाए जा रही थी, इसीलिए मिन उससे कहते हैं कि एक दिन तुम खा कर फट जाओगी जब अपने आप को देखो कि कभी किसी ने तुमसे प्यार नहीं किया है। तभी हमें हाना के जज्बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक सेल्समैन हाना को डेट करने के बहाने से उसे अपने कंपनी के टाइम मेल्स भेजने की तैयारी में था जिससे वो पतले हो जाए। उसके काफी रिक्वेस्ट करने के बाद एक दिन हाना उसकी दवाई खरीद लेती है और जल्दी पतली होने के बारे में सोच कर एक ही दिन में ढेर सारी गोली खा लेती है, लेकिन इससे वो आधा पौना इंच भी पतले नहीं होते बजाय इसके वो बीमार पड़ जाती है, उसे दस्त लग जाते हैं, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। फिर हाना मिन के साथ रेस्टोरेंट से लौटने लगते हैं तो उसे एक स्टोर के डिस्प्ले में एक बहुत ही प्यारी ड्रेस दिखाई देती है, लेकिन वो उसे पहन नहीं सकती थी इसीलिए वो उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। हाना और मिन वहाँ से एक टैटू आर्टिस्ट के पास जाते हैं और हकोना पटाटा के सबूत वाला एक जैसा टैटू बनवाते हैं। नेक्स्ट डे वो फिर से आने के लिए कॉन्सर्ट करने के लिए जाती है। कॉन्सर्ट के बाद सैंग हाना को पागल खाने छोड़ने जा रहा था क्योंकि उसके डैड वहीं रहते थे। तभी वो कहता है कि सभी को तुम्हारी तरह होना चाहिए, तुम बहुत अच्छा गाती हो। हॉस्पिटल पहुँच कर सैंग उससे कहता है कि कल मेरा बर्थडे है, तुम जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। सैंग के जाने के बाद हाना बहुत खुश होती है, वो कभी बोल तो नहीं पाई थी लेकिन उसे लगता था कि शायद सैंग भी उसे पसंद करता है। फिर जब हाना अपने डैड से मिलती है तो वो खुशी के मारे अपने डैड के साथ डांस करने लगती है, जिस पर वो कहते हैं बेबी दिन ब दिन तुम बहुत ही पतली होती जा रही हो, कुछ खाया पिया करो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हाना सैंग के बर्थडे में जाने के लिए तैयार हो रही थी तभी मिन उसके लिए एक डिलीवरी लेकर आती है जिसे सैंग ने भेजा था। हाना उसे खोलती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर ड्रेस थी। हाना उस ड्रेस को पहनकर रेडी हो जाती है और फिर सैंग के पार्टी में जाती है। सैंग हाना को देख कर उसे अपने पास आकर बैठने को कहता है। वो उसके पास बैठने लगती है तो कॉस्मेटिक कंपनी का प्रेसिडेंट जो सैंग का भाई भी था वो हाना से कहता है कि तुम अपना कोट उतार कर आराम से कंफर्टेबल हो जाओ, जिसके बाद हाना अपने कोट को उतारती है तो चोई कहता है तुम इस ड्रेस में बहुत ही सेक्सी लग रही हो। तभी वहाँ पर एनी भी सेम वैसा ही ड्रेस पहन कर आती है, उसे देखते ही हाना एम्बैरेस होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सैंग बाथरूम में फ्रेश होने जाता है जहाँ एनी भी उसके साथ थी। वो उससे पूछती है कि तुमने उसे मेरी जैसी ड्रेस क्यों दी, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते। इस पर वो कहता है कि जरा तुम उसे देखो और फिर खुद को देखो, वो तो तुम्हारे पैर की धूल भी नहीं है, वो तुम्हारे लिए गाना गाती है,
इसीलिए मैं उसके साथ अच्छे से पेश आता हूँ। नहीं तो अगर उसने गाना बंद कर दिया तो तुम्हारे इमेज का क्या होगा? हमें उसका अच्छे से यूज करने के लिए उसका ख्याल रखना चाहिए। तभी हम हाना को देखते हैं, जो टॉयलेट में बैठकर सैंग की बातें सुन सुन कर रो रही थी। सैंग के टॉयलेट से जाने के बाद हाना भी वहाँ से निकल जाती है। घर जाते वक्त वो बहुत दुखी थी और फिर घर पहुँच कर वो गैस को खुला छोड़कर खुद की जान लेने का सोचती है। लेकिन तभी उसके फोन वाले पार्टनर का फोन आ जाता है और वो उसे गंदी गंदी बातें करने लगता है। जिसके बाद हाना मरने के प्लान को कैंसिल करके नेक्स्ट डे एक डॉक्टर के पास उससे मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवा कर सुंदर बनना है। जिस पर डॉक्टर हाना से कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकता क्योंकि तुम हद से ज्यादा मोटी और बदसूरत हो। तभी हाना उसे वो गाना गाकर सुनाती है जो वो अपने फोन वाले बॉयफ्रेंड के लिए गाया करती थी। दरअसल हाना का जो बॉयफ्रेंड था वो यही डॉक्टर था। हाना अपने साथ उसकी और अपनी रिकॉर्डिंग की टेप भी लाई थी, इसीलिए वो उससे कहती है कि अगर तुमने मेरी सर्जरी नहीं की तो मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। जिसके बाद डॉक्टर उसका सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट डे सर्जरी शुरू किया जाता है जो कई घंटों तक चलता है। अब हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हाना के गायब होने की वजह से सैंग बहुत परेशान था क्योंकि अब वो आने के नए एल्बम को लॉन्च नहीं कर पा रहा था। कई महीने के बाद अब हम हाना को देखते हैं जो अब काफी पतली हो चुकी थी। फिर एक दिन वो अपने फेस पर कपड़ा बांधकर अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और उन्हें अपना डॉल दे देती है जो उसके डैड ने उसे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए दिया था। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब डॉक्टर हाना के चेहरे से पट्टी हटाने वाले थे। जब वो पट्टी हटाते हैं तो सारे डॉक्टर उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह जाते हैं। हाना अब बहुत ही सुंदर बन चुकी थी, उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी के मारे डॉक्टर को गले लगाकर खूब रोती है। फिर जब वो हॉस्पिटल से जाने लगती है तो उसे रास्ते में वो क्लॉथ स्टोर के बाहर डिस्प्ले में वही ड्रेस लगी हुई मिलती है जिसे वो पहनना चाहती थी। वो फॉरन स्टोर में जाकर उस ड्रेस को खरीद लेती है और वहीं से पहनकर पूरे शहर में घूमने लगती है। सूरत तो रंग में बदल ली थी लेकिन सीरत अभी भी वही थी। वो उस ड्रेस को पहनकर बहुत चिल्लाती है जिससे आसपास के लोग उसे देखकर पागल समझने लगते हैं। वो घूमते घूमते एक मॉल में चली जाती है जहाँ सैंग आने से अपनी कंपनी के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर सेल करवा रहा था। हाना उसे देखते ही छुप जाती है। फिर जब सैंग और आने वहाँ से जाने लगते हैं तो वो उनका पीछा करते हैं लेकिन तभी एक डिलीवरी बॉय हाना की खूबसूरती को देखकर अपना एक्सटेंड करवा लेता है। हाना उस डिलीवरी बॉय को जैसे ही उठाने के लिए जाती है सैंग भी वही आने लगता है लेकिन वो डिलीवरी बॉय के हेलमेट को पहनकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हाना सैंग का पीछा करते करते एक कार के शोरूम में पहुँच जाती है लेकिन शोरूम का मैनेजर हाना को देख लेता है और उससे पूछता है कि आपको कौन सी कार लेनी है। जिस पर वो कहती है कि क्या 1500 में कोई कार मिलेगा। शोरूम का ओनर हाना को पहले ही नजर में दिल दे बैठा था इसीलिए वो हाना को 1000 रुपए में एक कार दे देता है। हाना उस कार को लेकर रोड पर निकल जाती है लेकिन उसे ठीक से कार चलानी नहीं आती थी। वो कार ले जाकर एक दूसरे कार में ठोक देती है जिसके बाद दूसरे कार का मालिक हाना की कार के पास आकर चिल्लाने लगता है। लेकिन जब वो हाना की खूबसूरती को देखता है तो वो उससे कहता है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। तभी वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं और वो भी हाना को देखते हैं उससे पूछते हैं कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। लेकिन तभी उस एक्सीडेंट वाले आदमी के सर से खून बहने लगता है। उसे देखकर उसकी बीवी भी घबरा जाती है लेकिन वो कहता है अरे कोई बात नहीं ये सब होता ही रहता है। तभी उसकी बीवी ऑफिसर पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि इसे ड्राइविंग नहीं आती तुम इसके ड्राइविंग लाइसेंस को चेक करो। ऑफिसर जब हाना के ड्राइविंग लाइसेंस को देखते हैं तो उसमें हाना की पुरानी फोटो थी इसीलिए वो लोग उसे पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को बुलाकर ये कंफर्म करवा दो कि ये तुम हो तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। इसके बाद हाना मेई को कॉल करती है लेकिन जब मेई वहाँ आती है तो वो एक दूसरी मोटी लड़की को हाना समझ कर उसका हालचाल पूछने लगती है। उसे लगता है कि हाना ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया पिया है जिससे कि वो थोड़ी पतली हो गई है इसीलिए वो उसे पहचान भी नहीं पा रही है। तभी हाना उसके पास आती है और उसे अपने साथ ले जाकर हकुना मटाटा का वो टैटू दिखाती है जिसे उसने उसके साथ बनाया था। जिसके बाद मेई समझ जाती है कि वही असली हाना है लेकिन वो भी उसे इस रूप में देख कर काफी हैरान हो चुकी थी। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ मेई उसे बताते हैं कि सैंग तुम्हें पागलों की तरह घूम रहा है तुम्हारी वजह से आने का सेकंड एल्बम अटका पड़ा है। इधर हम सैंग और उसके भाई चोरी को नए नए कंटेस्टेंट का ऑडिशन लेते हुए देखते हैं ताकि वो उसे हाना की जगह यूज कर सके लेकिन कोई भी आर्टिस्ट उन्हें पसंद नहीं आता। तभी मेई सैंग को हाना का सीवी ला कर देती है जिसमें उसका नाम जेनी था। जेनी गाना शुरू करती है। सैंग और उसके लोग जब जेनी की आवाज़ सुनते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं। सैंग को उसकी आवाज़ बिल्कुल हाना की तरह लगती है जिससे कि सैंग की पूरी टीम बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद चोई और सैंग हाना के साथ एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं जिसमें सैंग हाना से कहता है कि तुम वही हो ना जिस
उसने मुझसे उस दिन कहा था कि मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ। हालांकि हाना ने उसे ऐसा कभी नहीं कहा था, लेकिन वो जॉय के सामने उसे ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि अब वो आने की जगह जेनी को लॉन्च करना चाहता था, क्योंकि वो उसे आने से ज्यादा सुंदर लग रही थी। जिसके बाद जेनी को लॉन्च करने से पहले उसका फोटोशूट और कॉस्मेटिक कंपनी के लिए एडवर्टाइजिंग कराया जाता है, लेकिन आने जेनी को अपनी जगह पर कैसे देख सकती थी, इसीलिए वो हाना के डैड के पास हाना के बारे में पता करने के लिए आती है। लेकिन हाना के डैड उसे हाना के बारे में कुछ नहीं बताते क्योंकि उनकी याददाश्त बहुत ही कमजोर थी। तभी हाना के डैड को सुसु लग जाती है, इसलिए आने को उसे टॉयलेट लेकर जाना पड़ता है। वो वहाँ पर सैम को फोन करती है तो सैम उसका फोन काट देता है, जिस पर वो कहती है कि काश मैं भी एक सिंगर होती। उसकी बातों को सुनकर हाना के डैड उससे कहते हैं कि वो भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं, हम इंसान को केवल कोशिश ही कर सकते हैं। इधर हाना और मेरे बोल के किनारे लेटकर धूप सेक रहे थे, तभी वहाँ पर एक लड़का आकर वेप करता है। हाना को लगता है कि वो लड़का उसे देखकर वेप कर रहा है, लेकिन तभी मेरी उसके पास चली जाती है क्योंकि वो मेरी का बॉयफ्रेंड था। मेरी के जाने के बाद हाना को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है क्योंकि जब वो धूप सेक रही थी तो उसके हाथ के निशान उसके आर्टिफिशियल सिलिकॉन चेस्ट पर पड़ गया था, इसीलिए डॉक्टर उसे धूप में 3 घंटे से ज्यादा देर तक रहने से मना कर देते हैं। फिर डॉक्टर हाना से कहते हैं कि तुमने अपनी सूरत को बदल ली है, लेकिन तुम्हारी सूरत अभी भी वैसी ही है, तुम अब खूबसूरत हो गई हो, इसीलिए तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने और एटीट्यूड में रहने की जरूरत है। इसके बाद सैम उसे गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाता है, जहाँ वो इतराते हुए डांस करते करते गाना गाने लगती है। उस तौर तरीके से गाने में थोड़ा भी फील नहीं आ रहा था, इसीलिए सैंग उसे हाना का एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो गाना गा रही थी। सैंग उससे पूछता है कि जेनी क्या तुम इसकी तरह गा सकती हो, जिस पर वो कहते हैं ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये सुनते ही सैंग उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, तुम उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो, तुम अगर आज यहाँ पर हो तो इसी की वजह से हो। ये सुनकर हाना मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर जब वो घर जाती है तो वो मेरी को वो सारी बात बताती है। हाना कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं सैंग को बता दूँ कि मैं ही हाना हूँ, जिस पर मैं कहती है कि ऐसा कभी मत करना क्योंकि अब तुम नेचुरल नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल लड़के हो। सब मर्द एक जैसे होते हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी को बढ़ावा तो देते हैं लेकिन वो इसे अपने औरतों को कभी करने देना नहीं चाहते क्योंकि इससे वो एक नॉर्मल इंसान नहीं रहती, वो एक मॉन्स्टर की तरह बन जाती है। हाना कहती है कि अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उसे मेरे प्लास्टिक सर्जरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस पर मैं कहती है कि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। हाना कहती है कि अगर तुम्हें प्यार के बारे में बहुत पता है तो तुम उस सेल्समैन के पीछे क्यों पड़ी हो, वो बस प्यार के नाम पर तुम्हें अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है। इसके बाद हाना सीधे सैंग के घर चली जाती है और उससे पूछती है कि मैं तो कैलिफोर्निया से हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत सारे कोरियन लड़कियाँ खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाती हैं। तभी सैंग को किसी का फोन आ जाता है, इसीलिए वो अपने डॉग को लेकर फोन पर बात करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो डॉग वापस हाना की गोद में आ जाता है क्योंकि वो डॉग उसी का था जिसे उसने अपनी सर्जरी से पहले सैंग के घर के बाहर छोड़ दिया था। फिर जब सैंग उसे घर छोड़कर जाने लगता है तो वो दोबारा उसके पास आता है और उसके पास मौजूद एक कार के पीछे से एक स्टॉकर को पकड़ कर निकालता है जिसने अपने कैमरे में हाना की बहुत सी फोटो ली थी। दरअसल ये वही डिलीवरी बॉय था जिसने उसकी हाना को देखते ही अपना एक्सीडेंट करवा लिया था। वैसे हाना उसे देखकर बड़ा खुश होती है क्योंकि वो उसे इतना पसंद करने लगा था कि उसने उसे स्टॉक करना शुरू कर दिया था, मगर सैंग उसे धमकी देने लगता है जिसके बाद हाना सैंग को स्टॉकर को छोड़ने को कहती है और कहती है कि इसने क्या गलत किया है, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसे इजहार करने में क्या बुराई है, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। इतना बोलकर हाना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब हाना वर्कआउट कर रही थी तो वो आर्मी को गाना गाने की प्रैक्टिस करते हुए सुनती है, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल कमरे की तरह थी। फिर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो हाना उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम गाने की प्रैक्टिस कर रही थी, तो वो कहती है कि हाँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम नहीं जानती कि मैं एक सिंगर हूँ। हाना कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे डैड कहा करते हैं कि वो भगवान है जो सब कर सकते हैं, हम इंसान तो केवल कोशिश ही कर सकते हैं। ये बात सुनते ही आने को हाना के डैड की बात याद आ जाती है और उसे लगने लगता है कि शायद जेनी और हाना दोनों एक है। नेक्स्ट डे जेनी का पहला कॉन्सर्ट होने वाला था इसीलिए उसे तैयार किया जा रहा था, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मैं हॉस्पिटल में है। इसके बाद हाना तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है, तभी सैम भी वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि किसने 30 स्लीपिंग पिल्स खाई है इसीलिए यह भालू की तरह कई दिनों तक सोने वाली है। इसके बाद हाना मैं के बॉयफ्रेंड के ऑफिस में पहुंच जाती है और उसके साथ लिफ्ट में घुस जाती है और उसे बहुत मारती है क्योंकि वो मैं को एक घर बेचना चाहता था, लेकिन मैं ने घर लेने से मना कर दिया था इसीलिए उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। लिफ्ट ओपन होती है तो सैम वहाँ आ जाता है और वो उसे लेकर सीधे कॉन्सर्ट में पहुँच जाता है। फिर वो उसे समझाता है कि जाओ अच्छे से परफॉर्म करना, लेकिन हाना इतने सारे ऑडियंस को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। जिसके बाद सैम उसे इशारा करता है तो वो अपनी आंखें बंद करके बहुत ही अच्छा गाती है। ऑडियंस उसकी आवाज को सुनकर पागल हो जाती है और अपने पहले ही गाने के बाद जिन्हें एक बहुत ही
फैन पेज भी बनने लगते हैं। फिर एक दिन रात के वक्त हाना सैंग के साथ ड्रिंक कर रही थी, तभी सैंग उसके करीब आता है और उसे किस करने लगता है। इस दौरान वो उसे टच करने की भी कोशिश करता है, लेकिन हाना उसे ऐसा करने नहीं देती क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर ने सिलिकॉन स्किन लगाया था, जिसके बाद सैंग उससे दूर ही रहना ठीक समझता है। थोड़ी देर के बाद सैंग जब वापस आता है, तभी वो घर के विंडो पर हकुना मटाटा के सिंबल को देखता है, जिसे जिनी ने ऐसे ही बना दिया था। उस सिंबल को देखकर सैंग को कुछ याद आने लगता है। दरअसल एक बार जब हाना सैंग के साथ जा रही थी, तो उसने अपने म्यूजिकल नोट्स के डायरी को सैंग के कार में ही छोड़ दिया था, जिसमें उसने हकुना मटाटा का वो सिंबल देखा था, जिसके बाद वो जिनी की कुछ हरकतों को नोटिस करता है, जो सिर्फ हाना से मैच कर रही थी। और फाइनली वो समझ जाता है कि जिनी ही हाना है और उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, लेकिन सैंग उससे कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट डे कंपनी जिनी के फर्स्ट एल्बम लॉन्च होने की खुशी में अपने सभी लोगों को पार्टी देती है, लेकिन तभी अमी हाना के डैड को वहाँ लेकर चली जाती है, क्योंकि अब उसे भी समझ आ गया था कि हाना ही जिनी है, लेकिन हाना अपने डैड को पहचानने से इनकार कर देती है, जिसके बाद सैंग उसे खींच कर हाना से दूर कर देता है। और जब हाना से उसके बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि वो बस मेरा फैन है, जिसके बाद मैं उसे बहुत बुरा भला कहती है और फिर उसके डैड को वहाँ से लेकर चली जाती है। पार्टी के बाद हाना सैंग के पास उससे मिलने के लिए जाती है, तो वो कहता है कि हाना तुम जाकर सो जाओ, तो तुम्हारा कॉन्सर्ट होने वाला है। सैंग के मुँह से अपना नाम सुनकर हाना शॉक हो जाती है, जिस पर वो कहती है हाना कौन है, ये तो मैं हूँ जिनी, जिस पर वो कहता है कि परेशान मत हो, मैं किसी को नहीं बताने वाला। फिर हाना उससे पूछती है कि क्या हाना और जिनी बस तुम्हारे लिए एक प्रोडक्ट ही है, जिसे तुम्हें बस यूज करने से मतलब है। सैंग कहता है कि अब बस तुम जिनी हो और रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी आवाज खराब हो जाएगी। हाना कहती है ठीक है, मैं नहीं रो रही, मैं कल किसी भी हाल में तुम्हारे लिए कॉल करूंगी। इसके बाद हाना गुस्से में वहाँ के पोस्टर को फाड़ लेती है, जिससे कि उसका हाथ कट जाता है। सैंग उसके कट को ठीक करने लगता है, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए इससे बड़े बड़े कट अपने बॉडी पर लगवाए हैं। दरअसल हाना ने सैंग के लिए खुद को चेंज तो कर दिया था, लेकिन सैंग को हाना के जिनी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे बस अपनी कंपनी के टीआरपी से मतलब था। नेक्स्ट डे एमी कंपनी के चेयरमैन को ये बता देती है कि हाना प्लास्टिक सर्जरी कराकर जिनी बनी है, इसीलिए चेयरमैन हाना के कॉन्सर्ट को कैंसिल करवा देते हैं, क्योंकि इससे उनकी कंपनी की बहुत ही बड़ी बदनामी होती। लेकिन सैंग ऐसा करने से मना कर देता है, वो किसी भी हाल में हाना से परफॉर्म करवाना चाहता था। ये सुनते ही चेयरमैन सैंग के फेस पर पानी फेंकने लगते हैं, लेकिन सैंग क्लास पकड़कर उसे फोड़ देता है और फिर उससे कहता है कि बोलो मत, ये कंपनी मेरी वजह से इतना आगे आया है। जिसके बाद वो हाना को अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन हाना कॉन्सर्ट करने से मना कर रही थी, जिस पर सैंग कहता है कि मुझे बहुत पहले तुम्हारे ऊपर शक हो गया था और मैं हमेशा से यही चाहता था कि तुम अपनी आवाज दुनिया को खुद सुनाओ। मैंने हाना को भी मौका दिया था और अब मैं जिनी को भी देना चाहता हूँ। इसके बाद हाना कॉन्सर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। कॉन्सर्ट में हम उस स्टॉकर को भी देखते हैं, जो जिनी के लिए चेस कर रहा था, और तो और जिनी के डैड भी वहाँ आए थे, लेकिन एमी ने कुछ गड़बड़ करने का प्लान किया था। फिर जब कॉन्सर्ट शुरू होता है, तो हाना के डैड स्टेज के आगे आकर डांस करने लगते हैं, इसीलिए कुछ बाउंसर उसे पकड़ कर ले जाने लगते हैं। तो हाना उसे रुकने को कहती है और फिर वो सारी ऑडियंस से माफी मांगते हुए कहती है कि ये मेरे डैड हैं और मैं जिनी नहीं हाना हूँ। पहले मैं बहुत मोटी और बदसूरत हुआ करती थी और स्टेज के नीचे छुपकर किसी सिंगर के लिए गाया करती थी, लेकिन फिर मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा कर खुद को ऐसा बना लिया ताकि मैं आप लोगों के सामने आकर गा सकूं और कोई मुझे प्यार कर सके, लेकिन अब मुझे पुराने हाना बनना है। तभी सैंग खुद स्टेज पर हाना की पुरानी वीडियो प्ले कर देता है, जिससे एमी ने वहाँ प्ले करके उसे बदनाम करने का सोचा था, लेकिन उसकी स्टोरी सुनने के बाद ऑडियंस बहुत इमोशनल हो चुकी थी, लेकिन स्टॉकर भी रोने लगा था। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम सब तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद सारे ऑडियंस उसे गाना गाने के लिए कहने लगते हैं, जिसके बाद हाना गाना गाती है जो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। गाने के बाद हाना अपने डैड को जाकर गले लगाती है। ये सब देखकर जोई वहाँ पर पटाखे फोड़ने लगता है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे स्टोर पर हाना के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, लोग हाना के दीवाने हो गए थे और सैंग भी हाना को पसंद करने लगा था। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक ऐसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना।